पड़ोसी देशों की ओर से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत लगातार अपनी सामरिक क्षमता में इजाफा कर रहा है। 84 LCA तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद रक्षा मंत्रालय और एयरफोर्स का पूरा ध्यान अब 114 लड़ाकू विमानों की डील पर है। ये डील 1.3 लाख करोड़ रुपए की होगी। वायुसेना ने इसके संबंध में जानकारी के लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन यानी RFI जारी कर दिया है। भारत के इस डील को लेकर अमेरिका, फ्रांस, रूस और स्वीडन समेत कई बड़े निर्माताओं ने रुचि दिखाई है। RIF जारी करने के बाद वायुसेना जल्द ही रक्षा मंत्रालय के सामने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON पाने के लिए प्रस्ताव रखेगी। मंत्रालय की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सेना बड़ी संख्या में 4.5 प्लस जनरेशन के लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण के लिए तैयार हो जाएगी। ये विमान राफेल के बराबर होंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रोजेक्ट में चयन के दौरान विमानों की क्षमता और उनकी कीमत पर गौर किया जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना भी अपने मापदंड विकसित करने में लगी हुई है, जिसके तहत लड़ाकू विमानों को चुना जाएगा। इसमें सिंगल और डबल इंजन दोनों प्रकार के विमान शामिल होंगे। खास बात यह है कि जो भी विमान चुना जाएगा वो वायुसेना में अगले करीब 4 दशक तक रहेगा। इसके साथ ही 114 विमानों को भारत में ही बनाया जाएगा। आपको बता दें कि PM मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने 84 LCA तेजस मार्क 1A विमानों की डील को मंजूरी दी है। 50,000 करोड़ रुपए की ये डील बेंगलुरु में आयोजित होने जा रहे एयरो इंडिया में साइन की जाएगी। एक समाचार एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक 84 LCA तेजस MiG-21 लड़ाकू विमानों के 4 स्क्वाड्रन की जगह लेंगे। इन विमानों को भविष्य में हटाए जाने की तैयारी थी। इसके साथ ही अमेरिका ने भी भारत को F-15EX लड़ाकू विमान ऑफर किया है। इस मामले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय से बोइंग डिफेंस को हरी झंडी मिल गई है। परमाणु हमला करने में सक्षम ये लड़ाकू विमान अगर भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तो चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।